यहाँ से आप हेलीकॉप्टर से चार धाम की यात्रा का पैकेज ले सकते हो, जिसमें शामिल है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये हेलीकॉप्टर सेवाएं सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। अब हम पहुंच गए हैं सहस्त्रधारा, बहुत ही अच्छा व्यू है। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और गर्मी में कह रहे हैं कि बहुत ठंडा पानी है, लेकिन एंजॉय पूरा पूरा हो रहा है इनका। ये देखिए देखो भी बहुत ज्यादा आप गद्दे का गद्दे, और सोना भी कह रही है कि मैंने भी एंजॉय करना है। ये देखिए इन्होंने ये पानी के बीच में फ्लावर डाले हुए हैं, इसका कोई ना कोई महत्व होगा। ये देखिए पानी इसको भर के उसमें से एक गेंदा फूल डाला हुआ है, ये चारों तरफ है। ये देखिए हेलो एवरीवन, आज हम पहुंच गए हैं देहरादून। ये रोड के आसपास दीवारों पर वॉल पेंटिंग और म्यूरल देखिए। मसूरी के फर्स्ट एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था कि ये देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इन वॉल्स को डेकोरेट किया है। अब हम पहुंच गए हैं देहरादून के करसाली चौक। ये चौक बहुत ही फेमस है और इस चौक पर गौतम बुद्ध जी की 10 फीट ऊंची मूर्ति बनाई हुई है। अब हम अपने अपार्टमेंट में पहुंच गए हैं जहां बुकिंग कराई है। सोना आपको ये टूर देगा, चलो सोना। ओके। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा रूम है, मेरे को तो पहले इसको देखकर कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा रूम कौन सा है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे लिविंग रूम। यहाँ पर एक झूला भी है, सोफे भी है और इधर एक बेड है जिसे हम बेड बना सकते हैं। ये सोफा कम बेड है, अगर आप ज्यादा मेंबर है तो इसको हम बेडिंग का ही यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। हाँ, और इधर टू रूम है, अभी ये एक रूम नहीं है, आगे भी आपको सोना दिखाती है रूम। ये देखिए ये है एक बहुत प्यारा रूम, इसमें दो दो दरवाजे, एक बालकनी में जाता है और एक वॉशरूम में, और वॉशरूम भी बहुत अच्छा है। हाँ, वॉशरूम भी क्लीन है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप आराम से किचन से खाना बनाकर इधर जब मैं सर्व करूंगी आप खाने का आनंद लीजिए, और साथ इतने सुंदर व्यू के साथ। वाह वाह वाह, और ये व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको हम एक और चीज दिखाते हैं। आपको वैसे अभी लग रहा होगा कि सिर्फ दो ही रूम्स हैं, पर नहीं, यहाँ पर टोटल 3 रूम्स हैं। ये बहुत अच्छा बेडरूम है, इधर एक छोटा सा लैंटर्न भी लगा हुआ है और यहाँ पे एसी की हवा बहुत अच्छी लगी। और अब इतने में मैं यहाँ पर सोने लगी हूँ, सो गुड नाइट। अरे सोना सो गया बेटा? नहीं अभी। ओहो, मैं एक चीज तो नहीं भी दिखा रही। चलो अब आपको वो चीज दिखाते हैं। अभी आप देखेंगे ये चीज बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर एक झूला भी है छोटा सा और इधर एक और लैंटर्न है, तो मैं भी थोड़ा सा इधर आराम से झूले पर सोऊंगी। सो गुड नाइट, जब तक मैं इधर सो जाऊं आप इसको एंजॉय कर लीजिए। देहरादून में होटल्स के साथ साथ आपको ऐसे अपार्टमेंट भी मिलेंगे और इनकी जो बुकिंग है ऑनलाइन है।
रियली बहुत ही ब्यूटीफुल है ये अपार्टमेंट। ये देखिए यहाँ से व्यू कितना सुंदर बन रहा है। कुछ देर रेस्ट करके फिर आपको घुमाते हैं देहरादून की ब्यूटीफुल प्लेसेस। आज हम जा रहे हैं सहस्त्रधारा देहरादून। देहरादून से सहस्त्रधारा 17 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर आप मसूरी हो तो इसकी दूरी 23 किलोमीटर है। इस रास्ते में आपको हेलीपैड मिलेगा। यहाँ से आप हेलीकॉप्टर से चार धाम की यात्रा का पैकेज ले सकते हो जिसमें शामिल है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये हेलीकॉप्टर सेवाएं सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए आई थिंक ये रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। यहाँ पर भी वॉल्स पे पेंटिंग्स बनी हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेंटिंग है, अगर आप इसको ध्यान से देखो कहीं ना कोई आपको मैसेज जरूर दिखाई देगा इस पेंटिंग में। अब हमने सहस्त्रधारा में एंटर कर लिया है। अब हम पहुंच गए हैं सहस्त्रधारा। बहुत ही अच्छा व्यू है। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और गर्मी में कह रहे हैं कि बहुत ठंडा पानी है, लेकिन एंजॉय पूरा पूरा हो रहा है इनका। ये देखिए मेरे को भी बहुत ज्यादा और सोना भी कह रही है कि मैंने भी एंजॉय करना है। ये देखिए सारे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, गर्मी में क्यों ना एंजॉय करें, गर्मी इतनी है। यहाँ आकर हमें पता चला कि यहाँ के पानी में सल्फर है और ये स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत ही बेटर है। नीचे काफी रश था इसलिए हम आपको ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं। ये आप नीचे टायर देख रहे हैं, ये इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए रखे हैं कि अगर आपका स्विमिंग करने का मन है तब आप इसको पहनकर स्विमिंग कर सकते हैं। समर वेकेशन होने के कारण काफी रश है। अगर आप भी इस जगह को अच्छी तरह एंजॉय करना चाहते हो आप मॉर्निंग में जल्दी आइए ताकि आप इस जगह का आनंद ले सकें। देहरादून में हमें एक चीज और खास लगी कि यहाँ पर हर शॉप का साइन बोर्ड रेड और व्हाइट कलर में है। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं हम जाते जाते। अब हम पहुंच गए हैं देहरादून के बुद्धा टेंपल। ये मेन एंट्री है, इसको मिंड्रोलिंग मॉनेस्ट्री भी कहते हैं। ये बुद्धा मंदिर देहरादून की ISBT से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर क्लेमेंट टाउन में स्थित है। यहाँ पर आने के लिए आपको बस या ऑटो रिक्शा आराम से मिल जाएगा। हम मिंड्रोलिंग मॉनेस्ट्री पहुंच गए हैं। बहुत ही शांत एरिया है, बहुत ही क्लीन एरिया है और इस साइड देखिए ये एंट्री है, काफी साफ सफाई है। ये देखिए और इस साइड फूल देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल, कलर भी अच्छा है। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। ये आप बाहर इन्होंने बहुत अच्छे स्टैचू बनाया हुआ है। ये चलिए अब हम आपको दिखाते हैं बुद्धा का स्टैचू। मेरी हॉलीडेज भी शुरू हो गई है तो मैं आया हूँ देहरादून, तो अब मैं आपको इस पूरी जगह का सैर कराती हूँ।
चलिए आपको दिखाते हैं आगे। ये बुद्धा का टेम्पल है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है और गोल्ड का बना हुआ है। एक मिनट रुको, ये जो सोना ने अम्ब्रेला ली हुई है ये धूप के कारण ली हुई है, ये रेन नहीं हुई इस टाइम, धूप बहुत है इसलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए ली हुई है। हर मिनिस्ट्री में आपको एंट्रेंस में ही ये प्रेयर व्हील मिलेगी। इस मिनिस्ट्री में ये जो प्रेयर व्हील है काफी लार्ज एरिया में है। ये जो आप बुद्धा जी का स्टैचू देख रहे हैं इसकी हाइट 103 फीट है और इसको गोल्डन कलर से डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है ये स्टैचू। ये देखिए इन्होंने ये पानी के बीच में फ्लावर डाले हुए हैं, इसका कोई ना कोई महत्व होगा। ये देखिए पानी इसको भर के उसमें से एक गेंदा फूल डाला हुआ है, ये चारों तरफ है। ये देखिए, ये देखो इस तरफ भी है। और मैंने आपको बताया था कि ये मोस्टली डार्क कलर यूज करते हैं, आपको रेड कलर ज्यादा दिखाई देगा मॉनेस्ट्री में। ये देखिए इस साइड भी ये लगाए हुए इन्होंने वेल्स। और इस साइड बहुत बड़ा प्रेयर व्हील जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। इस मिनिस्ट्री में मुझे सबसे ज्यादा प्रेयर व्हील नजर आई, मैं कई मिनिस्ट्रियों में गई हूँ लेकिन यहाँ मुझे सबसे ज्यादा लगी। अगर आप ही किसी मिनिस्ट्री में गए हो आपको इससे भी ज्यादा प्रेयर व्हील नजर आई हुई तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। इस मॉनेस्ट्री में ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छा गार्डन भी बनाया हुआ है और मैं यहाँ आ गई हूँ गार्डन में। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है इसलिए इसे बुद्धा गार्डन भी कहते हैं। ये ऊपर इन्होंने अपनी ही लैंग्वेज में मंत्र लिखे हुए हैं, हमें पता तो नहीं है। बहुत ही पीसफुल एरिया है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। इस मॉनेस्ट्री में आप कहीं भी चले जाओ आपको पॉजिटिव वाइब महसूस होगी। आपको क्लोज करके दिखा रहे हैं बुद्धा स्टैचू, बहुत ही विशाल है। ये देखिए
एंटर करते ही बुद्धा टेंपल में आपको रेस्टोरेंट भी मिलेगा, यहाँ आप स्नैक्स वगैरह खा सकते हो और यहाँ पर गिफ्ट शॉप भी है। इस शॉप में आपको बुद्धा के जीवन से रिलेटेड बुक्स भी मिल जाएगी। इस बुद्धा मूर्ति के साथ एक और बुद्धिस्ट मंदिर है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये मंदिर। यह मंदिर भी ब्यूटीफुल है और काफी लार्ज एरिया में फैला हुआ है। मिनरोलिंग मिनिस्ट्री के एंटर पर ही उत्तराखंड टूरिज्म वालों ने ये बोर्ड लगाया हुआ है, उसमें सभी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि यहाँ पर विजिट करने के लिए कौन कौन से प्लेसेस हैं और इस तरफ ये मंदिर की इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस मंदिर को विजिट करने के लिए यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं, इसलिए इन्होंने पार्किंग का पूरा ध्यान रखा है। काफी लार्ज एरिया में है ये पार्किंग। स्माइलिंग फेस में वेलकम करते हुए बच्चों की ये पिक्चर बहुत ही अच्छी है, मन खुश हो गया। ये देखिए यहाँ से भी नजर आ रही है बुद्धा जी की मूर्ति। इस मॉनेस्ट्री का टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेके शाम 7 बजे तक है और यहाँ पर जो मेन मंदिर है वो 12 बजे से 2 बजे तक बंद रहता है। दूर से ही इसकी ब्यूटी नजर आती है और ये भी मंदिर काफी डेकोरेट किया हुआ है। यह मंदिर 220 फुट ऊंचा है, यह 5 मंजिला बना हुआ है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण इसकी 4th फ्लोर पर है। आप वहां पर जाकर पूरे देहरादून का 360 व्यू देख सकते हो। और इस तरफ लॉन में इन्होंने पद्मा संभव की बहुत विशाल मूर्ति बनाई हुई है। मेंड्रोलिक मिनिस्ट्री का मानना है कि इस मूर्ति को लगाने से मुश्किल बाधाएं दूर होती हैं। आप भी हमारे साथ मिनिस्ट्री का ये पूरा व्यू देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये बौद्ध मंदिर कितना ऊंचा है। इसी ब्यूटीफुल व्यू के साथ आज का मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा हो लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।